मैं आज आपको मोहित अजमेरा जी से मिलाता हूँ। मोहित जी, एक बात और बताओ। जी जी अंकल, जैसे आजकल ऑनलाइन बढ़िया तो काम चल रहा है, लेकिन धोखे भी बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या गारंटी है कोई आपको बिना जान पहचान के पैसा भेज दे, और क्या गारंटी वो माल सही पहुंच जाए? जी, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। बिल्कुल अंकल जी, देखिए जो भी माल हमारे यहाँ कस्टमर लेता है जी, वो पूरा माल एकदम साइड में हम लोग लगा देते हैं जी। सबसे पहले मैं चीज बताऊँ, आपने पूछा है कि धोखाधड़ी बहुत हो रही है। अंकल जी देखिए, हमारे यहाँ से जो भी माल जाता है, जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। कस्टमर को जब तक माल नहीं मिलेगा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। जब कस्टमर को माल मिल जाता है, उसके हाथ में पहुंच जाता है, तब हम लोग फ्री हो जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कई बार ट्रांसपोर्ट में चोरी हो जाता है, ऐसा हो ये समझिए हजारों में एक बार होता है। बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो ट्रांसपोर्ट से हम लोग क्लेम लेंगे, आपको आपका प्रोडक्ट आपका माल चेंज करके दे दिया जाता है, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया जाता है। तो उसके लिए बेफिक्र हो जाओ कि माल आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है। और उसके साथ अंकल जी एक ट्रांसपोर्ट इंक्वायरी नंबर हमने दिया हुआ है, उस पर कॉल कीजिए, आपका माल कब निकला है, कैसे निकला है, कितने दिन में पहुंचेगा, कौन से ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, कितने चार्जेज लगने वाले हैं, वहां पे आप फोन करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो पहले पैसे पहले दिए जाएंगे आपको, भेजे जाएंगे जी, या माल मिलने के बाद? नहीं अंकल जी, हमारे यहाँ प्रोसेस पहले एडवांस पेमेंट का ही है, सीओडी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। पहले आपका पेमेंट आ जाता है, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ से माल हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। जैसे कोई गांव का मतलब कोई काफी दूर से है, वो नहीं आ पाता, या कोई लेडीज बेचारे नहीं आती हमारे द्वारा, क्योंकि मैं आपके यहाँ आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, बिल्कुल कोई हमारे विश्वास पे आपको मान लिया 20,000 भेज दे जी, और वो अपनी बता दे कि हमें इतनी तरह माल ये चाहिए, बिल्कुल, तो क्या वही पहुंचाएगा माल? 100% अंकल जी वही जाता है, सेम माल जाता है। अगर उसमें कोई डैमेज पीस हमारे यहाँ से निकलता है, हमारे पैकिंग करने वाले आदमी को दिखता है, तो वो कस्टमर को वापस फोन करता है कि अंकल जी इसमें से आपका डैमेज पीस है। होता नहीं है ऐसा, इंसान चेक करता है, गलती हो जाती है। बट अगर ऐसा होता है तो वो सामने से पहले पूछेगा कि अंकल जी, कस्टमर को बात करेगा कि आपका ये आइटम चेंज हो रहा है, अगर आपको चले तो हम लोग भेजे, नहीं तो आपका पैसा जमा है, जब आप बोलेंगे आपको रिफंड मिल जाएगा। नहीं, मान लिया किसी ने माल मंगा लिया जी, उसमें एक पीस कम आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा अंकल जी? ऐसा आज तक नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम लोग बैकअप के लिए बैठे हैं, बिल्कुल आप उसके लिए टेंशन ना ले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। तो किसान भाइयों, देखो काफी बात मैंने मोहित जी से की है, और आप पूर्ण विश्वास के साथ इनके साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। भाइयों नमस्कार, मैं अपने चैनल सोमवीर सिंह पूनिया के माध्यम से आपको एक नया बिजनेस देना चाहता हूं। मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी और मैंने सोचा कि हमारे कुछ किसान भाई हैं, मजदूर हैं, घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो घर पर रहती हैं, गृहिणी हैं, लेकिन कोई साइड बिजनेस उनके पास नहीं है। और किसान मजदूर ऐसे हैं जो आजकल टाइम में बिना साइड बिजनेस के गुजारा होना मुश्किल है। तो मैं आपके लिए गुजरात सूरत में आया हूं, और ये बहुत अच्छी अजमेरा फैशन के नाम से कंपनी है, कंपनी मानिए, यहाँ कपड़े का भी व्यवसाय है, थोक भाव में आपको मिलेगा। तो इसके बारे में हमारी मैडम है, ये आपको कुछ जानकारी देंगे, जरा मिलिए आप इनसे। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में। जी धन्यवाद जी। तो थोड़ा बताएं आप हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, बहुत सारा दर्शकों ने प्यार दिया, जो बहुत सारे सवाल थे वो सर आप क्लियर कर रहे हैं, और आप सबके बड़े हैं हमारे, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको एक नया रास्ता दिखाते हैं, ये चीज़ सच में बहुत अच्छी लगती है। बड़ों का आशीर्वाद सब हमेशा सर पे रहना चाहिए, और आपका आशीर्वाद सब पे है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स के लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने उनको कहा कि खेती करना एक बहुत बड़ी बात है, जवान और किसान दोनों बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए रिस्पेक्ट है सबके मन में, लेकिन उसके अलावा एक साइड बिजनेस आपने कहा वो बहुत ज़रूरी है जी, जी। और साइड बिजनेस तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो बिजनेस हमें ला के दे, थोड़ी कम मेहनत और रिटर्न्स अच्छे मिले, तो वो एक चीज़ है कपड़ा बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान घर बैठ के भी कर सकता है, इंसान दुकान भी शुरू कर सकता है, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, ऑनलाइन इंटरनेट बहुत बड़ा है, तो आप सोशल मीडिया के जरिए भी सेलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कपड़े बेचने के जी, जी। और इवन इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छी होती है, मार्जिन में जो मुनाफा होता है वो भी हावी काफ़ी अच्छा होता है। और अजमेरा फैशन सर एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब हम खुद बनाते हैं चीज़ें फिर डायरेक्ट आपको देते हैं, जिससे आपको काफ़ी सस्ते दामों में चीज़ें पड़ जाती हैं। और हमने बच्चों के कपड़े देखे, हमने लहंगा देखा, हमने
जो सूट होते हैं वो देखे लेडीज के, अब हमने बच्चे देखे लेडीज का देख लिया, अब मेंस वेयर की बारी। बिल्कुल। जो आदमियों के कपड़े होते हैं कैसे होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग शर्ट से। जी जी हाँ, तो शर्ट से हम जब शुरू करते हैं तो ये मैं थोड़े एकदम टीनेज टाइप का गर्ल्स शर्ट दिखा रही हूँ, जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग जिसको कहते हैं ना अल्फाबेटिकल प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड अल्फाबेटिकल प्रिंटिंग। लॉन्ग स्लीव्स में मिल जाती हैं, शॉर्ट्स में मिल जाती है, हर एक साइज में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4XL तक की चीज़ें हैं। जी। जैसे कि चेक्स में हो, प्रिंट में हो, प्लेन में हो, ये देखिए ये सोबर प्रिंटिंग है। उसी के अलावा दिखाओ किस तरह की है। ये देखिए सर, कलर्स अलग अलग मिल जाते हैं, ये सोबर प्रिंटिंग के ऊपर है। जी। एकदम सोबर है। उसी तरह चेक्स में थोड़े वाइब्रेंट कलर, तो ये देखिए हल्का सा वाइट, हल्का सा ब्लैक एंड ब्लू टोन के साथ ये चेक्स के ऊपर। तो सारे आपके हैं, तैयार होती हैं सर? ये खुद हमने बनाए हैं, ये मैन्युफैक्चर किए हैं यहाँ पर और आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देखिए एक से बढ़कर एक कलर्स मिल रहे हैं इसमें, अलग अलग साइजेस। और सर कपड़ा आप एक बार फील कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कपड़े की क्वालिटी आपको कैसे लग रही है। ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, ये तो बड़ा मजबूत है। जी सर, टिकाऊ कपड़ा है, टिकाऊ है सभी। और आप जो भी कपड़े को हाथ लगाएंगे, ये होजियरी है, ये आपको विस्कोस मिल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर उस कैटेगरी में आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। उसी तरह ये सर, इस कपड़े को हाथ लगाइए आप, बाकी बढ़िया। जितने कपड़े को हाथ लगाएंगे सभी अच्छी क्वालिटी के हैं। क्या हाफ बाजू है या भाँ चढ़ाई हुई? ये भाँ चढ़ाई हुई है। अच्छा, रहने दो, मैं एक बार खोल के आपको दिखा देती हूँ। रहने दो, फिर चढ़ानी पड़ेगी। यस, अब आपने बात कर ही ली है तो दिखा ही देते हैं। ये देखिए ये इसकी भाँ है, ये देखिए प्रॉपर कुछ इस तरह से है। अब हम देखेंगे जो शूटिंग शर्टिंग का पीस आता है ना जी, वो जैसे कि ये आप देखिए, ये चेक्स में, ये इसके साथ की पैंट, उसी तरह ये प्रिंट में, ये उसके साथ की पैंट, उसी तरह इतने सारे हैं। चेक्स में भी अलग अलग मोटिव्स आते हैं। तो ये भी सेट लेना पड़ेगा 10 का? ये सेट, ये भी सेट आता है। अच्छा, तो आपको सेट वाइज लें, क्योंकि सर आप अगर अकेले के लिए पहनेंगे तो आप एक या दो लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बेचें, तो आप एक दो चीज़ बेच के क्या मुनाफा कमाएंगे, आपको कंटिन्यू बेचता रहना पड़ेगा तब आपका अच्छा रेवेन्यू आएगा। तो भाइयों, बाजार के मुकाबले 10-15-20% आपको इनमें फायदा रहेगा। जी सर, और सकते हैं सर 15-20% नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है जो हम खुद बना रहे हैं। अब अगर आप हमसे जुड़ के एक होलसेलर बन सकते हैं, एक डीलर बन सकते हैं, आप एक मीडिएटर बन सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एक रिटेलर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे दाम सबसे ज़्यादा कम है। भाइयों, ये बिजनेस उनके लिए भी है जो छोटे दुकानदार हैं शहरों में, वहीं थोक में ले लेते हैं, उन्हें महंगा मिलता है, या दिल्ली से लाते हैं। असली खान तो सूरत में है भाइयों इनकी। जी सर, दिल्ली में जो कपड़ा जाता है ना, आज मैं आपको एक राज की बात बता रही हूं, वो सब यहां से जा रहा है। सिंथेटिक कपड़ा सूरत में ही बनता है, क्योंकि सूरत पूरे एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, सबसे बड़ा, एक नंबर। और जो भी कपड़ा जाता है पहले यहाँ बनता है, फिर वो यहाँ से, वहाँ से, ऑल ओवर इंडिया पे जाता बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है आप डायरेक्ट अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपको सस्ते दामों में ही बिल्कुल। तो भाइयों, हम जीन्स देखेंगे। आप दिल्ली का रेट मालूम कीजिए और फिर यहाँ का मालूम कर लेना, और आपको पता लगेगा, एक बार यहाँ आए और ट्राई मारे जी। और सर अगर आपका आना पॉसिबल ना हो और आप ऑनलाइन कलेक्शन चेक करना चाहते हैं, प्राइस देखना चाहते हैं, क्योंकि हम वीडियो में प्राइस नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राइसेस, जैसे मैंने कहा, हमारी कीमतें कम हैं। हम अगर हमारी कीमतें वीडियो में बता देंगे तो ये कस्टमर भी देख रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम देगी, क्योंकि हमारी कीमतें कम हैं, आप इसमें अपनी कीमत ऐड करके आगे बेचेंगे, राइट? तो इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। बाकी आपको प्राइस जाननी है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप किसानी के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ और भी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। या जॉब कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है जॉब इज़ ओके, हर महीने एक फिक्स इनकम, एक फिक्स सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आती। आप जितने दिन काम करोगे उतने ही दिन के पैसे मिलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कपड़ा का बिजनेस ऐसा है ना, ये अगर आप स्टाफ अपने पास रख लिए तो आप घर पर भी है तो स्टाफ कमा के दे रहा है आपको पैसे, बिल्कुल सही तो बात है। ये चीज़ है, बिजनेस खुद का, अपना खुद का होना चाहिए। जैसे कि ये अगली चीज़ देखिए सर, जीन्सेस के कलर डिज़ाइन आपने देखे, एक से बढ़कर एक है। अब मैं नाइट ट्रैक्स, जैसे जिसको कहते हैं नाइट पैंट कहते हैं, वो दिखाती हूँ। डार्क कलर हो, लाइट हो, हर एक कलर की चीज़ें आपको मिलती हैं। जी जी। या फिर जो फॉर्मल पैंट होती है, कॉटन की पैंट जी,
ये देखिए कॉटन पैंट्स देखेंगे, ये चेक्स के ऊपर है, ये प्लेन है, लेकिन इसका कलर आप देखिए कलर यूनिक है। उसी तरह ये लाइट कलर है, ये देखिए एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। तो यही सभी चीज़ें अगर अपने पास आप रखेंगे, और सिर्फ मेंस वेयर ही नहीं, मेरा मानना है कि आप जितनी ज़्यादा वैरायटी रखेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई लेडीज़ आपकी दुकान में आ सकती हैं, वो लेडीज़ अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं, वो लेडीज़ अपने पति को लेकर आ सकती हैं, या फिर कोई इंसान अपने पूरे परिवार को लेकर आया, तो कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, और कोई भी इंसान खाली हाथ गया मतलब वो अपना मुनाफा लेके जा रहा है। बिल्कुल सही बात जी। सो ये देखिए मैं हुडी दिखाना चाहती हूँ सर, इसको हुडी कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये सर्दियों में खास करके सबसे ज़्यादा काम आता है, हमारे तरफ ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सर्दियों में काम में आता है। ये देखिए सर, ये हुडी मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना पॉकेट दिया गया है, और इसमें मैं कलर डिज़ाइन दिखा रही हूँ, सब के सब अलग है, कलर्स अलग, उसके डिज़ाइन अलग। ये स्वेट टी शर्ट कहते हैं, मतलब ये देखिए ये रेड कलर में विदाउट राउंड नेक में, ये लाल कलर में हुडी में। तो आपको जैसे कलर चाहिए, जैसे डिज़ाइन चाहिए वैसे। लेकिन एक बात सर क्लियर करना चाहती हूँ, सिंगल पीस नहीं मिलेगा, मतलब एक चीज़ नहीं, कोई एक टी शर्ट नहीं ले सकते। आपको 20 से 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस अगर शुरू करना है घर से तो भी कर सकते हैं, या दुकान शुरू करना है तो भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 लाख रुपये लगा के अगर दुकान आप शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं जी। एक बार जोर सा पड़ेगा फिर तो ले जाएंगे लाखों रुपये का। अभी ये बिहार के मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, लाखों रुपए का सामान ले जा रहे हैं। सर मैं वही कह रही हूँ, जान के बिजनेस करना। सर मैं यही कह रही हूँ कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, तीन महीने पहले की बात है, बिहार से एक मैडम आए थे, नाम नहीं बताऊंगी, मुझे ये पता है ये मैडम वीडियो देख रहे हैं, वो बिहार से थे, उन्होंने 3 लाख रुपये कहीं से कर्जा लिया था जी। वो कर्जा उन्होंने लिया और उन्होंने यहाँ पर आके चीज़ें खरीदी जी। उन्होंने ऐसे ही हमारा वीडियो देखा था आज मेरा फैशन का, चीज़ें खरीदी और वो माल उनका बिक गया। बिल्कुल। वो 3 महीने में 4 बार रिटर्न आ गए। बिल्कुल। क्योंकि मैं बताऊँ रीज़न क्या है, कपड़ा जो है हमारे यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, सर्दियाँ शुरू हो गई है तो अच्छे से जा रहा है, प्लस अभी शादियों का सीज़न आने वाला है। बिल्कुल, तो इससे अच्छे से। और वो जो एक छोटे से गांव देहात में रहते थे, उन्होंने 3 लाख रुपए, वो तो उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट चूज़ किया था। बाकी आप 20 से 25,000 रुपए से घर से भी शुरू कर सकते हैं, आप दुकान शुरू करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए दुकान से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर कपड़े का व्यापार करना है तो अजमेरा फैशन एक बार ज़रूर आइएगा। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करना है या कलेक्शन देखना है, मतलब ये इसके फोटो देखने हैं, हम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की। इस तरफ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको दिखाइए कलेक्शन देखिए, इतना सारा है, ये बॉक्सेस के अंदर चीज़ें हैं, तो सच में सर एक साथ सब दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी ये विनती है आपसे, जो नंबर आपको दिए गए हैं वहाँ पर कॉल कीजिए, आगे की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो भाइयों कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा हमारा बिजनेस? आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करना, मैं तो आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते।